एक वक्त ऐसा आ जाएगा जिसमें बच्चे पैदा करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं बात कर रहा हूँ गुड न्यूज़ जो अभी फ़िलहाल में रिलीज़ हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है राज मेहता ने और इसके प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, जिसके अंदर कास्ट हैं अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर, कियारा आडवाणी। और अगर मैं आपको इस मूवी की छोटा सा एक बताऊं कि संक्षेप में, अगर आपने ट्रेलर देखा तो आप समझ ही जाओगे कि इसके अंदर दो कपल हैं, अक्षय कुमार और करीना कपूर, और दूसरी तरफ है दिलजीत दोसांझ और कैरा अडवाणी। तो ये दोनों कपल में प्रॉब्लम हो रही है कि प्रॉब्लम ये है कि इनके बच्चा नहीं हो रहा होता बाय नेचुरल प्रोसेस जो भी है वो सबको पता है। तो इसके बावजूद ये क्या करते हैं, बच्चा चाहते हैं तो ये IVF यानी टेस्ट ट्यूब का यूज़ करना चाहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के मतलब उसके द्वारा बच्चा चाहते हैं। तो उस दौरान उस प्रक्रिया में क्या होता है कि इनका स्पर्म जब चेंज हो जाते हैं, तो इसको लेके मूवी बनाई गई है। ओके ओके, मूवी की अगर मैं स्टार्टिंग में प्लस पॉइंट की बात करूं तो ये मूवी अच्छी है, इसमें कॉमेडी भरपूर है। इस मूवी में जान तब आ जाती है जब दिलजीत दोसांझ की जब एंट्री होती है इसके अंदर। वो ये नहीं कि भी अक्षय कुमार का जो काम है वो ख़राब है, वो बहुत अच्छा है, उनकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, वो अच्छे अच्छे ह्यूमर के जो आपको देखने स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और जब बाद में जब दिलजीत दोसांझ की जब एंट्री होती है तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, एक हंसता हुआ इंसान, चुलबुला इंसान, एक अलग सा ह्यूमर लेके मूवी के अंदर आता है। अब मूवी के अंदर एक डायलॉग भी मुझे काफ़ी इन्होंने जो म्यूट कर दिया था, एक डायलॉग था कि एक अक्षय कुमार अपने ही अपने जीजू से मिलते हैं शायद, ऐसा कुछ था। तो वो उसके अपने बच्चे का नाम वो होला सिंह रखते हैं, ये बीबी की वाइंस जो है उसमें देखा था मैंने। तो उसमें होला सिंह इसलिए रखते हैं क्योंकि वो होली के दिन पैदा हुआ था, तो उस वक्त अक्षय कुमार कहते हैं शुक्र है ये लोहड़ी के दिन पैदा नहीं होता, वरना इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। मूवी की अगर मैं आपको, ये तो इतनी स्टोरी होगी, अब मूवी की अगर मैं आपको बात करूं कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है इसमें बड़े ही गर्व से दिखाया जा रहा है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसे शर्माएं मत, आप जाएं डॉक्टर के साथ इलाज, डॉक्टर के पास आप इसका इलाज करवाएं। खैर करवाओ यार इस चीज़ का इलाज अगर किसी को ये प्रॉब्लम बाय नेचुरल है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम लोग अपने खुद उसको न्योता दे के बुला रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें ये सोचना चाहिए। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई तो कोई हंसी की बात है, हाँ हो गई उनको प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा क्या रखा अपना खान पीन, क्या ऐसा उन्होंने अपना कल्चर रखा कि भी उन्हें प्रॉब्लम हो गई। जैसे कि आप देखते हो कि हाई सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर तो लोग तो ये क्लब जाना, ड्रिंक करना, हुक्का पीना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, लेट नाइट ड्रा मतलब पार्टी करना, इन सब चीज़ों से इस चीज़ के ऊपर भी असर पड़ता है। मतलब कि एक ऐसा टाइम जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप से बच्चे ना होकर भी एक स्पर्म को आप फर्टिलाइज करवाते हो लैब के अंदर जाके, फिर उसको उस चीज़ का यूज़ करके बच्चे पैदा किए, यार ये सोचने वाली बात आ गई है कि इंसान कितना डेवलप हो रहा है या कितना किसकी किस दिशा की तरफ जा रहा है कि उसको मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है बच्चे पैदा करने के लिए। ये मूवी उन इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो तंदुरुस्त हैं, जो अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, या टाइम रहते जिन्होंने शादी या टाइम रहते जिन्होंने बच्चा कर लिया, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये मूवी। हाँ बेशक जा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन ये सोचने वाली बात ये कि अगर आप हाई सोसाइटी देखो, हाई सोसाइटी छोड़ो, अगर आप दिल्ली के अंदर देखो तो छोटे छोटे बच्चे या टीनेजर जो होते हैं उनको मेडिटेशन के लिए भेजा जाता है। यार मेडिटेशन सोच के देखो यार, टीनेजर या छोटे बच्चे जिनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है कि उनकी उम्र ही क्या है यार मेडिटेशन सीखने की, क्या जरूरत आल पड़ी कि भी उनको मेडिटेशन। और वाकई में टीनेजर देखोगे तो वो इतना मानसिक उसके ऊपर दबाव है कि अपने ब्रेकअप को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर पढ़ाई को लेके इतना कुछ वो डिस्टर्ब चल रहा है आज की लाइफ में इतना ज़्यादा। यार अब आप कंपेयर करके देखो एक गाँव के लड़के को या लड़की को जिसका मतलब वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता इन चीज़ों के लिए और वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। सिंपल सी चीज है कि आप कमा किस लिए रहे हो, या आप जी इसलिए रहे हो ताकि आप कमा सको, या आप कमा रहे हो ताकि आप जी सको, बहुत सा फर्क है इन चीजों में। इंसान कमा इसलिए रहा है ताकि वो खुश रह सके, अपनी बेसिक जो जरूरत है या फिर थोड़े उस बेसिक से बढ़ के उन चीजों को वो पूरा कर सके, लेकिन आखिर में इतना कमा लिया कि भी लास्ट में जाके एक टेस्ट ट्यूब में जाके वो उसमें रुपए वेस्ट कर रहा है या दे रहा है IVF की सर्जरी। नेचुरली तो अगर होता है किसी के साथ उसका तो कोई इलाज नहीं, उसके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन उन उन
उन कपल्स जो जानबूझ के इस चीज़ को वो न्योता दे रहे हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार तुमने ऐसा खान पीन ऐसा क्या रखा, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने सोने के ऊपर, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो मूवी का जो प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो इसमें कॉमेडी बहुत भरपूर है। आपको आपको पूरी मूवी हंसाएगी स्टार्टिंग से लेके आखिर तक, इमोशनल भी करेगी लास्ट में जाके। खैर जो इसके अंदर मैसेज तो यही था कि अगर किसी कपल के अगर वो नहीं हो रहा कि बच्चा नहीं हो रहा, तो वो IVF का यूज़ कर सकते हैं। और वो बच्चा किस लिए नहीं हो रहा, वो स्ट्रेस के कारण नहीं हो रहा, वो वर्कलोड के कारण नहीं हो रहा। और एक इस मूवी में एक जो इसमें दिखाया गया, जैसे कि करीना कपूर जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उनको काम करना होता है, वो 7 महीने की जब प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंसी के बावजूद भी वो काम कर रही है, वो काम नहीं छोड़ रही है क्योंकि उनके लिए वो काम प्रायोरिटी है। यार वहीं यहाँ पर आप दिलजीत दोसांझ की उधर देखो तो वहाँ पे वो काम को इतनी मान्यता वो देते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखना, अपनी वाइफ का ध्यान रखना, और जबकि वो करीना कपूर का भी ध्यान रखता है उस इसमें। तो एक बिल्कुल ही अलग कल्चर, एक बिल्कुल ही हाई सोसाइटी का कल्चर इसमें दिखाया गया है। खैर मेरा काम तो बस इतना ही था कि इस मूवी के बारे में बताना, और एक सलाह भी यही देना था कि अगर आप अपनी लाइफ को सही में मेंटेन करना चाहते हो, ये हाई क्लब या फिर दारू पीना या सुट्टेबाज करना, ये इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को इफेक्ट होने से बचाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है अपनी खान पीन पर सही ध्यान, एक्सरसाइज करना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं ताकि आप एक लंबी लाइफ जी पाओ, सही से स्वस्थ लाइफ जी पाओ। वरना थोड़ी सी उम्र, थोड़े से दिन के लिए जीना और वो भी बीमारियों के साथ, तो मुझे कहीं नहीं लगता वो सही है। खैर इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो अपना कमेंट नीचे रख सकते हैं, बाकी अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, हंसी के पर्पज़ से देखो, और मैसेज सिर्फ उनके लिए छोड़ दो जो हाई सोसाइटी को फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।